नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने चार राज्यों में सरकार बरकरार रखी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर व गोवा में लगातार सरकार बनाई है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है, तो वहीं गोवा में उसकी हैट्रिक है। तो वहीं उधर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और 117 में से 92 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। इस पूरे मामले का जिक्र हम गहराई से करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार किस किस तरह के मिथ टूटे और जो राज्यों में के चुनावों को लेकर लगाए जाते थे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और फॉलो हमारे हौसले को लाखों गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार दूसरी बार योगी राज आया है। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है और उसने 403 में से गठबंधन सहित 273 सीटें हासिल की है। अकेली भाजपा को 255 सीटें मिली है। हालांकि इस बार पिछली बार की तुलना में सीटें कुछ कम हुई है। भाजपा पिछली बार रिकॉर्ड 312 सीटों पर जीती थी। राज्य में समाजवादी का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पिछली बार 48 सीटों के मुकाबले 125 सीटों में को जीतने में इस बार समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे कुछ विरोधी दलों की रणनीति भी जिम्मेदार है। जैसे यहां बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवारों की ही जाति के थे। इससे उनके वोट बंट गए और सपा के वोटों में सेंध लग गई। सपा खुद को मुस्लिम सरपरस्त पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई। वह भाजपा के हिंदुत्व का कार्ड भी नहीं खोज पाई। उनके हिंदू वोटर छिटक गए। मोदी और योगी ने लगातार हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ा। इससे वह हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करने में भी कामयाब रहे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। वह 92 सीटों पर जीती है। वह पिछली बार सिर्फ 20 सीटों पर जीती थी। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोटों से रिकॉर्ड दर्ज किया है। यहाँ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस से अलग हुए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है। चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने मुद्दों से कैंपेन शुरू किया। अच्छे सरकारी स्कूल, बेहतर अस्पताल की बात की, फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली और फिर 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रति माह 1,000 देने की घोषणा की। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर घर घर से गारंटी कार्ड भी भरवाए। अब चलिए बात करते हैं गोवा की, जहां पर बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को भी हार का सामना करना पड़ा। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहां की 40 में से 20 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। उसे 3 निर्दलियों और एमजेपी के 2 विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। इस तरह उसका आंकड़ा 25 हो गया है, जो कि बहुमत से 4 ज्यादा है। कांग्रेस 11 सीटों पर ही जीत पाई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार गोवा के विधानसभा में एंट्री लिया है। उसके 2 उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जिस अमित पालेकर को सीएम का चेहरा घोषित किया था, वह खुद ही अपनी सीट से चुनाव हार गए। गोवा में बीजेपी ने जो सीटें जीती है उनमें से कुछ पर जीत का अंतर तो 500 वोटों से भी कम है। इससे इस बात का साफ संकेत है कि एंटी बीजेपी वोट विपक्षी पार्टियों के बीच बंट गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इस बार कहा जा रहा था कि परिकर के बिना बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पार्टी ने 2017 से भी अच्छा प्रदर्शन किया। चलिए अब इसके बाद आते हैं उत्तराखंड और मणिपुर पर। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा है। वो अपनी ही सीट से हार गए। बीजेपी ने उत्तराखंड में 48 सीटें जीती है, जो कि बहुमत से 12 ज्यादा है। उसे इस बार हालांकि पिछली बार से 9 सीटों का नुकसान हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 7,000 वोटों से हार गए। उधर मणिपुर में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वह 34 सीटों पर जीती है और उसे बहुमत से 4 सीटें ज्यादा मिली है, तो वहीं पिछली बार से 13 सीटों पर उसने बढ़त बनाई है। हर चुनाव में सरकार बदलने वाली परंपरा इस बार टूटी है और जाने कि जीत की 5 वजह और साथ ही हार गए पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री हरीश रावत।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव पर स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर का असर साफ देखा जा सकता है। पहाड़ में मोदी फैक्टर हावी रहा तो वहीं मैदानी इलाकों में महंगाई और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का असर दिखा। अलग राज्य बनने के बाद 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा रहने की जो परंपरा थी वो टूट गई। प्रदेश में पहली बार भाजपा सरकार ने रिपीट हासिल की है। अब आपको बताते हैं कि इन 5 राज्यों में इस बार चुनाव में क्या अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 37 सालों से लगातार किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। भाजपा के योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उन्हें दोबारा से स्पष्ट बहुमत मिला है और अब वो सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ भाजपा नहीं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो वहीं अगर देवभूमि की बात करें तो देवभूमि का भी यही हाल है। देवभूमि जब 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ उसके बाद एक बार भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा फिर कांग्रेस का नियम ऐसा मानव बन चुका था। पर इस बार भाजपा ने दोबारा से अपनी सरकार रिपीट की है लेकिन उनके सीएम पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो वहीं अगर सबसे छोटे राज्य गोवा की बात करें तो यहां भी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 3 बार चुनाव में जीत हासिल की है और हैट्रिक लगाई है। तो वहीं पंजाब के चुनावी नतीजों की बात करें तो पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और अब आम आदमी पार्टी पहला ऐसा क्षेत्रीय दल बन गया है जिसकी 2 राज्यों में अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चला रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भगवंत मान शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और अब पंजाब ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो वहीं आपको बता दें मणिपुर की उत्तर पूर्व का एकमात्र राज्य जहां पर चुनाव होने थे यहां पर भाजपा ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में पहली बार लगातार 2 बार सरकार बनाई है और अब जल्द ही एक बार फिर से एन बीरेन सिंह सीएम पद की शपथ लेंगे। और यह भी एक बीजेपी के लिए रिकॉर्ड होगा कि किस तरीके से लगातार 2 बार मणिपुर जैसे राज्य में उन्होंने सरकार बनाई है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन मिरर। धन्यवाद।